शहर, एक इतिहास और एक यूनिवर्सिटी का सफर। वेलकम टू नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ की हर दीवार, हर कोना कुछ कह रहा है। आज से हजारों साल पहले का एक खास रिश्ता। यहाँ की मिट्टी ने देखा है ज्ञान का उदय। ये यूनिवर्सिटी एक वक्त इल्म का समंदर, इंजीनियरिंग से लेकर फिलोसफी तक। यहाँ की हर किताब है एक कहानी, हर लेक्चर एक सफर और हर स्टूडेंट एक कल्पना। नालंदा जहाँ हर रंग है एक विचार और हर स्टूडेंट था अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञानी। तो आइए साथ चले इस अनोखे सफर में। यू नॉट अंडरस्टैंड ब्लॉगिंग। देखो उधर घोड़ा उड़ रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज टूर पे। यहाँ पे बस लगी हुई है, बच्चे तैयार हैं और यहीं से हम लोग निकलने वाले हैं। चो घूमने के लिए रेडी हो ना? वाले हैं एक बहुत ही शानदार टूर पे। कैसा लग रहा है टूर पे जाने के लिए? चलो हम लोग निकल चुके हैं अपने टूर के लिए और बच्चों लोग का एक्साइटमेंट देखिए। यहाँ पे बच्चों लोग सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ पे सेल्फी स्टाइल दे दो। चो देखो उधर घोड़ा उड़ रहा है, उड़ नहीं रहा है। ए ट्रेन देखो, ट्रेन उधर। यहाँ पे और से ध्यान दो और इधर गाना गाने वाले हैं। स्टार्ट। गला फंसा हुआ अभी। चलिए वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, सोना नहीं है। भाई आलू है, ये है, ये देख रहा है बच्चा लोग, देख रहा है बालूओं का पहाड़। बच्चा लोग सोच रहा है आलू है मगर असल में ये भालू है। मार रहा जी इसको है, मारेगा इसको। रास्ते में हम लोग रुके हैं यहीं पे और यहाँ पे गाड़ी रुकी है थोड़ा, जिसको हल्का होना है हल्का हो रहा है। ऊपर मजा आ रहा है सर, आप लोग काची का चंदा चलता टूर टूर लैकन के जाए दो। हाँ वीडियो बनाता ब्लॉग है चैनल। हाँ ध्यान दे के बाद अरवल और 5 किलोमीटर है और ये है समुन्दर जो कि काफी खूबसूरत नजारा है। समुन्दर नहीं है, का है नदी है, महासागर है। ठीक बा, अच्छा लग रहा है एकदम। देखिए ये व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है नजारा और हम यहाँ पे। पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके हुए हैं। हम लोग बताओ कैसा लग रहा है जाने में? मजा आ रहा है, गिर जा रहा है। कैसा लग रहा है बस में से? फाइनली दोस्तों हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय पहुंच चुके हैं और बच्चे लोग वहां पे रेडी हैं और ये है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, टिकट लाने गए हैं सब लोग, एक्साइटमेंट है ना घूमने का। प्रभु सर टिकट ला दिए हैं, और लाइए सर यही टिकट अंदर हम लोग को जाने देगा क्योंकि बच्चा तो ऐसे ही चला गया ये लोग। फाइनली दोस्तों हम लोग टिकट कटवा लिए हैं और नालंदा विश्वविद्यालय के पार्क में अंदर हम लोग इंटर कर चुके हैं और बच्चे लोग वहाँ पे लाइन लगे हुए हैं। यही जगह है जो हम लोग घूमने वाले हैं। खान सर बच्चों को मिलाते हुए और यहाँ पे सब बच्चे लोग रेडी हैं अपने अटेंडेंस के लिए। गाइडर जो है वो अपने हमारे बच्चों को बताएंगे स्कूल के बारे में और उन्हें सब समझाएंगे और लेकर भी जाएंगे उनको समझाने के लिए। पुनः कमरे का निर्माण किया था गुप्त राजा हॉस्पिटल, नीचे देखे गड्ढा गड्ढा है ना, गड्ढा गड्ढा रूम गुप्त राजा, उसको माटी से भर के पुनः हॉस्पिटल थाना जाने बनाया सातवीं दादी में, फिर इसी तरह से नौवीं दादी में पालना जाने। आंटी जी समझ रही हैं आप भी, कि तू भी क्या समझेगा। कितना का टिकट है ए, बता टिकट कितना का है? क्षेत्र में तिब्बत उब्बत जैसा क्षेत्र में जाके लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट करते थे, जैसे बीमारी फैल गया कॉलरा और फाइलरा ऐसा बीमारी फैल गई, वो लोग जो है कोई धर्म नहीं मानते। बच्चों को समझा दिया गया है और ये बच्चे एकदम रेडी हैं घूमने। यहाँ पे लाइन लगते हुए बच्चे सब मुस्कुराओ जरा। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, समझते हैं।
गिर गया बाद में हर्षवर्धन राजा मिट्टी से भर के पुनः कमरे के निर्माण जी सीढ़ी के ऊपर पाल राजा बनाते ऊपर जाना परमिशन नहीं है। ओके तो ये गुप्तकालीन कमरे से लड़ना मत। ये कमरे का निकास बरामदा था, बरामदे का आंगन था, जब छत गिर गया बाद में हर्षवर्धन राजा इसको भर के पुनः कमरे का निर्माण किया और सीढ़ी के ऊपर पाल राजा बनाया था। ये मिट्टी का टीला में खुदाई करके निकाला गया। ये नया गेट बनाया गया 1961-62 में। देखिए गेट मोटा, कितना मोटा दीवार है, इतना मोटा दीवार था कि ये नेचुरली एयर कंडीशन साउंड प्रूफ था। तो जहाँ पे काई वाई लगा हुआ है ना वो सब ज्यादातर रिपेयर हिस्सा है, ये ग्रेनाइट में कुछ नहीं लगा हुआ है। ये मीठी चूना सुर्खी उड़द दाल का पाउडर का बेसन गन्ना रस का गुड़ बेल फल पेड़ से गोंद निकाल। ये तो हाथी इसमें नहीं जाएगा जी, हाथी नहीं जाएगा, हम लोग जाएंगे ना सर। कैसे हाथी आता होगा? हम लोग जाएंगे सर। हमारे हाथी वाला लड़का आ जाए तो लड़का एकदम मोटा नहीं तो कैसे जाएगा। और ये देखिए बहुत ही शानदार नजारा, ऐसा मेडिटेशन सीट है। अब खुदाई से पहले यही है सारी बुद्ध का समाधि का देख रहा है ना, यही मेन मंदिर। इधर से तो हॉस्टल हर उस समय छोटा मंदिर का, छोटा मंदिर यहाँ बना हुआ ना करकट लगा के गेट लगा के उसमें काला पत्थर का मूर्ति टूटा हुआ रखा हुआ। एक हॉस्टल की तरह एक और हॉस्टल था, हर जगह जाना परमिशन नहीं, ऊपर जाना परमिशन नहीं। तो पहले मैं हॉस्टल को अच्छी तरह से समझेंगे जानेंगे। ये सब ध्यान करने वाला मेडिटेशन सिस्टम में आ गया, बैठ करके ध्यान करने वाला, ठीक है। तो चलिए पहले एक हॉस्टल को देखते हैं ना। मान लो तामा पीसर का प्लेट होटल होगा तो भी जल के काला फंगस लग गया, झामा हो गया। 17 बुधवार का मूर्ति था, चुना सुखी से बना हुआ जैसे मीटिंग होता है ना मूर्ति, इस तरह से यहाँ से लोग प्रार्थना करके जाते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि शरणम शरणम। इस ब्रिक को जोड़ है आज हम मरम्मत किया गया, किसान मरम्मत किया हुआ समझ में आया ना। इसको अगर पाल खालीन कमरे ऊपर जाना नहीं, हम नीचे कमरा 30% ऊपर है, 70% नीचे हम आंगन वन सब देखेंगे। ऐसा पढ़ा होता था पानी पीने के लिए कुआं, तो ऐसे ऐसे हॉस्टल उधर मंदिर। अब मंदिर के पास सारी वस्तुओं के पास खड़ा होकर बच्चों को फोटो लेना। तो पुराना ईट देखा ना, अब नया ईट का समझ में आ गया ना क्वालिटी। चलिए जी, चलिए आ गए आप ही के सारे पे हम लोग जी जी। तो आप देखिए वो अभी ये सब नया नाला बना हुआ है ना वर्षा जल निकलने के लिए जी। हम ओरिजिनल नाला दिखाएंगे, गुप्त राजा राजा पाला के समय में कैसे कैसे नाला था, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन वास्तु शास्त्र साउथवेस्ट में भूत है जी। अब हम नाला आंगन में चल के दिखाने वाला। जब एक तल्ला बिल्डिंग था दीवार था दूसरा तल्ला बना ना लकड़ी का बीम देखा, लकड़ी का बीम जल गया, छत गिर गया, नीचे कमरा ऊपर कमरा, ऊपर कमरा बन गया नीचे गेस्ट लोग का, ऊपर वाला अभी मरम्मत किया गया और इसमें जो है रिपेयर। अरे कैसे चल रहा है जी, गर्ल्स आओ गर्ल्स, बॉयज मेरे साथ जाएगा ठीक है। इंटर वास्तु कर रहा गर्ल्स, इसमें देखो चेक कर, बैठ जाओ बैठो पूरी मिलेगा। पे बच्चों लोग की ख्वाहिश है कि सेल्फी लिया जाए, तो हम लोग बच्चों का सेल्फी ले रहे हैं। क्या जगह चुनौती कहा सर, इस पे बैठा लो नीचे से क्या। यहाँ पे बच्चों को सेल्फी लिया जा रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये जो रात में क्या होता था ना कि रात में रोशनी के लिए जो दिन में सूर्य की रोशनी नीचे कमरे में खिड़की नहीं था जी, सूर्य की रोशनी मल्टी साइड होकर लाड़ी आता था मंदिर में, वो रूम में पहुंचता था। ये क्या है सर, ये क्या है, और बाप अरे पैसा डाला गया इसमें, दुबई का तीरम जाके ले ले क्या हम, चलो उसको डालो आदित्य को डालो इसमें जाके ले आएगा। छोटे छोटे लड़के जाओ इसमें, चलो जो देख लिया हट जाओ। ये देखिए बहुत ही शानदार कुआं, इसमें से पानी निकलता है, अभी नहीं निकला, अभी पैसा खुद डाला गया इसमें, सब दुबई का पैसा है, दुबईयों का पैसा है। कहाँ से पानी निकला है, पैसा डाला गया है, पानी नहीं। अरे पहले पानी निकलता था जब ये यूनिवर्सिटी चलता था पानी, अब पैसा इसमें से निकल रहा है। और ये क्या है, और ये तो गोला है एकदम जी। जिसको पढ़ने आता है वीडियो में पढ़ के बताएगा क्या लिखा था। यहाँ चाइनीज लोग को समझाया जा रहा है कि कैसे क्या हुआ था, सब बताया जा रहा है इन लोगों को। ये तो चंदा सीवीट का गमलवा है। यहाँ पे सब लोग सेल्फी के एकदम दीवाने हुए हैं, सब लोग फोटो ले रहे हैं अपने यादगार के लिए। देखिए काफी खूबसूरत नजारा और बहुत ही अच्छा एकदम, देखिए ये कितना अच्छा पार्क जैसा बना हुआ है और उधर सब लोग घूम रहे हैं। ये क्या है, ये तो गुफा जैसा है जी। यहाँ पे सेल्फी लिया जाए, जल्दी हटो यहाँ से, जल्दी हटो। चलिए आइए इधर का हम नज़ारा दिखाते हैं आपको, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है हर जगह का और बहुत ही अच्छा व्यू भी है। ये देखिए पार्क है, यहाँ आप बैठ सकते हैं आसानी से और इधर बैठ से देख सकते हैं। और ये सब जो है ना, ये सब नालंदा विश्वविद्यालय विद्यालय है ये सब। सर वेयर आर यू फ्रॉम सर, सिक्किम। सिक्किम, व्हाट इज योर नेम,
Myself, dream, Pema, Pema. Oh, your hair is so good. Yes. Yes. Come here, all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. You enjoy this. अरे इंग्लिश क्या बोले तुम लोगों के सामने? You enjoy this. हैं? सबका आ रहा है. सब लोग पीछे पीछे आओ. फिर? सर प्लीज हम लोग. सर सर. अब थोड़ा सा खड़े हो जाइए. सब लोग सेल्फी लेगा. Okay. Okay. चलिए सब लोग आ जाओ. चलो. सब लोग आओ. आ जाओ. सेल्फी ले रहे हैं ये लोग. कह रहा है कि हम लोग इंडिया से बाहर गए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से. चलो हम लोग चलते हैं इधर खाड़ी के आराम से खाड़ी के तरफ. और इधर देखिए बहुत सारा गड्ढा है और यहाँ पे हम लोग जाने वाले. गड्ढा नहीं है सर. हाँ क्या है ये? घर है. अच्छा घर है जी. इसको भी देखना है. चलो. घर नहीं है जी. स्कूल है नालंदा खुला विश्वविद्यालय. हम पढ़ने आए थे. तुम कब पढ़ने आए? तुम तो पैदा भी नहीं हुआ था. आप कैसे पढ़ लिया जी? नमस्ते. हम आपको कुछ नहीं समझते. खुशी आराम से गिरना मत. चलिए हम लोग चलते हैं दौड़ते हुए और यहाँ से दिखाते हैं एकदम नज़ारा बहुत ही खूबसूरत. कुछ नहीं है जी. ये देखिए ईंटों का पहाड़. देखो तुम लोग ये पहाड़. अच्छा नहीं ये स्कूल है. स्कूल. यस बोलो बोलो. मजा आ रहा है सबको? अरे उसमें क्या देख रहा है जी? अरे उसमें भूत रहता है. खींच लेगा तुम्हारा मुड़ी. भागो जल्दी हटो वहाँ से. चलो लोग भी आ जा रहे. थोड़ा सा हम लोग भी तो हैं इसमें. कौन है? कहाँ है? यहाँ पे खड़ी है आप लोग. 1 2 3 यहीं पर हम जा रहे हैं. अच्छा लग रहा है सबको? अच्छा लग रहा है घूमने में? मिस यू नालंदा यूनिवर्सिटी. फिर अगर मौका मिली तो जरूर मिलेंगे. नालंदा बाय. सांसों ने वफा किया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह. ब्लॉगिंग चैनल माय यूट्यूब चैनल. यहाँ पे बच्चे लोग ये चैनी चाचा से सेल्फी खिंचवाते हुए. और यहाँ पे सब लोग आ जाए. आ जाइए आ जाइए. सर फोटो खींच रहे हैं. और यहाँ पे सब लोग स्माइल टेक सेल्फी. आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं. मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक और नए अंदाज में, एक और नए जगह पर और एक और नए एक्सपीरियंस के साथ. तब तक के लिए बाय. यू नॉट अंडरस्टैंड ब्लॉगिंग. माय ब्लॉगिंग इज नॉट फेमस.